वेलकम टू ऑल ऑफ यू आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ वो तो फुल्ली कि अभी तक का जो सेशन हम लोगों ने किया है आपको समझ में आया होगा अभी तक हम लोगों ने ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में बात किया था और यानी कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अब हम आगे बढ़ें अभी हम आप लोगों से एक दिन सवाल पूछा था दोबारा रिपीट कर रहा हूँ हो सकता है कि याद है या नहीं है आदिति आपने राउटर देखा है आप लोगों में से कितने लोगों ने राउटर देखा है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कितने लोगों ने राउटर को देखा है अगेन चैट चा, में मैसेज करिए कि आप लोगों ने राउटर देखा है यस या नो आपके अटेंडेंस लग जाएगी केवल शंकर नहीं देखा है मी ओके आ गया वाईफाई मैडम यस यस चलिए तो अनन्या आपने कहाँ पे देखा है राउटर अनन्या आ, सर घर पे जो भी वाईफाई फाई होता है राउटर की प्रॉपर्टीज वाला अच्छा अच्छा चलो मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा अनन्या आप अनम्यूट रहिएगा पहले मेरी बात सुनिए अरे म्यूट करके रखो भाई रिकॉर्डिंग आपको ही देना है ठीक है वह मैं एक बात बताऊं जो राउटर होता है वास्तव में 2016 तक की बात कर रहा हूं और अभी की बात करूंगा 2016 में जो सबसे सस्ता राउटर आता था ना उसकी कीमत पांच लाख रुपए थी फाइव लाख रुपए और आज भी आप राउटर खरीदने जाओ ना तो ढाई लाख से नीचे का राउटर नहीं आता राउटर क्लोन मिलेंगे राउटर नहीं आते हैं तो आपके घर में जो लगा है अनन्या वो तो लाखों का तो होगा नहीं अनम्यूट नो सर तो फिर आपने क्या देखा क्वेश्चन आ गया ना तो सर नहीं? वो असल में राउटर तो नहीं होता है बट हाँ जैसे कि मैंने बोला कि वो एक्चुअली में है राउटर वाले डाल जाते हैं। बिल्कुल सही बोला जैसे टाइगर बिस्किट हमने में डिस्कस किया था, फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि बेसिकली क्या होता है राउटर एक मिनी सुपर कंप्यूटर है लास्ट सेशन बोला था अगेन आई राउटर इज द मिनी सुपर कंप्यूटर और राउटर की कुछ क्वालिटी आप कोई भी डिवाइस में आजकल जितने भी स्मार्ट डिवाइस है बेसिकली वो भी कंप्यूटर का एक प्वाल्टी है एक तरह के तो अगर राउटर की कुछ क्वालिटी होती है जो हम आने वाले सेशन में सीखेंगे अगर उन कंप्यूटर उसमें डाल दिए जाए तो मेरा जो राउटर है राउटर वाईफाई राउटर मॉडम हो जाएगा तो जैसे जा, अनन्न्या ने भी बताया बिल्कुल सही बताया कि हमारे घर में मॉडम लगा है या वाईफाई लगा है उसके अंदर हम राउटर की कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाल देते हैं इसलिए लेकिन हम हिंदुस्तानियों की आदत है कि हम आधे शब्द को खा पी जाते हैं राउटर मॉडम राउटर वाईफाई तो जो वाईफाई और मॉडर्म सब तो खत्म हो गया राउटर ही रह गया ठीक है ना तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा अब मैं बात करूँगा आज नए डिवाइसों में तो आ, हमारे एक प्रधानमंत्री जी सैम पेट्रोडा एक क्वेश्चन है सैम पेट्रोडा का नाम आप लोगों ने सुना है यस या नो प्लीज राइट डाउन क्या आप लोगों ने सैम पेट्रोडा का नाम सुना है यस या नो अनन्न्या ने सुना है बाकी लोगों ने नहीं सुना बता तो बताइए इस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आपको लिखने के लिए कह रहा हूँ बोलने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ क्या आप लोगों ने सैम पेट्रोडा का नाम सुना है रिदम ने नहीं सुना नो 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 ओके सैम पेट्रोडा को चूंकि क्या है कि वो जिंदा है अभी भी हिंदुस्तान के अंदर है और अब शायद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन किया मे बी कांग्रेस जो भी ज्वाइन किया मुझे याद नहीं है ठीक है लेकिन जिंदा आदमी की पूछ कम होती है ये हमारी आदत है आपको मालूम होना चाहिए कि सैम पेट्रोडा को फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया वन दूसरा फादर ऑफ कंप्यूटिंग नेटवर्क के बारे में उन्हें फादर ऑफ टेलीकॉम कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटिंग नेटवर्क कहा जाता है बहुत कम लोग होते हैं कि जीते जीते उन्हें फादर ऑफ जैसे सचिन है क्रिकेट ऑफ गॉड क्रिकेट का भगवान कहते हैं वैसे ही इंडिया के अंदर जो टेलीकॉम का जो फॉर्डर है आ, या हमारा जो भी है वो आपका कंप्यूटिंग का वो सैम पेट्रोरा का क्योंकि जिंदा है इसीलिए अभी उनकी पूछ नहीं है ठीक है अगर वो जिंदा नहीं होते तो शायद वो अभी भी okay, आ, अमारत है सैम पेट्रोडा में यहाँ पे आ, फिगर दिखा देता हूँ फोटो दिखा देता हूँ क्योंकि जब बात उठी गई है तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ये जो सैम पेट्रोडा अगर मैं सैम पेट्रोडा की बात करूँ सैम पेट्रोडा अगर आप फुमेज में जाएंगे वो कुछ नाम और लिख गया दोबारा से यस ये आपके सामने स्क्रीन पे जो भी तस्वीरें आई हैं ये सब सेम पेट्रोडा की तस्वीरें हैं 1984 में ये अमेरिका के अंदर उड़ीसा के हैं बेसिकली ये और अपने शुरुआती करियर दौर में अमेरिका के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में बहुत पॉपुलर हो गए नाइन्टीन में बहुत ज़्यादा नाम इनका था तो नाइन्टीन में जब अमेरिका में पॉपुलर तो उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी वो उस समय विजिट गई उनको पता चला तो उनसे उन्होंने कहा कि आप हमारे अपने इंडिया में आइए और इंडिया के लोगों को टेलीकॉम सा जो सर्विस है उनको दिया जाए उसमें डेवलप करिए हमारे तरफ से आप बिल्कुल आज़ाद हैं हम आपको पूरी वो देंगे ये उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी उनके रिक्वेस्ट पर सैम पेट्रोड़ा जी इंडिया आए लेकिन वो जब आए थे ये बात फरवरी की है लेकिन जब वो इंडिया आए तो आपको मालूम है कि उसी साल नाइनटी में हमारे आ, प्रधानमंत्री जी का मर्डर हो गया था तो दिसंबर में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री गुजारीलाल नंदा और फिर अटल ये राजीव गांधी आप कह सकते हैं राजीव गांधी ने इन्हें एज ए टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर भारत सरकार का नियुक्त किया और वो राजीव गांधी का दौड़ है आज हमारे पास में अभी कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने उस समय से बीच कर अब तक कितने प्रधानमंत्री गए बदले लेकिन इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर रही रहे इन्होंने बहुत चेंजेस किए आज, आज आपके हाथ में मोबाइल फोन है कंप्यूटर है उनके पीछे कहीं कही ना कहीं इनका रोल है ये मैंने छोटी सी बात बताई बाकी बायोग्राफी आप जाके गूगल सर्च पे पढ़ सकते हैं बताने की जरूरत नहीं है ये तो वेरी कहते हैं ना जो लोग काम करते हैं ना वो ज्यादा शोर शराबा नहीं मचाते ये मोदी साहब के भी चाहते हैं राजीव गांधी के भी चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के भी चाहते हैं सबके ये उस समय का है जब उन्होंने पूरा डेवलप किया था पूरी चेंजेस किए थे दे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपुल लेकिन वही है कि जिंदा होना इंसान के लिए थोड़ा सा वैसा रहता है आप किसी के साथ भी आप आ, कर सकते हैं मतलब जोड़ सकते हैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊँगा ठीक है अब आते हैं इन्होंने सन 2003 के में एक बात कही उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी उनसे कहा सर आप चाहते हो कि देश में हरेक लोगों के हाथों में इंटरनेट जाए कंप्यूटर जाए तो आपको जो पुरानी व्यवस्था है इसको बदलनी पड़ेगी आपको और इनके ही कहने पर इन्होंने देश के अंदर एक नए नेटवर्क की व्यवस्था करी एक नया नेटवर्क लाया गया और आज हम सब उस नए नेटवर्क पर इंटरनेट कर रहे हैं तो इन्होंने जो टेलीफोन लाइन है उसको नया मॉडिफिकेशन किया और नए लाइन का नाम उन्होंने डेटा नेटवर्क रखा टेलीकॉम का नाम मॉडिफाइड हुआ द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आई टी द कम्युनिकेशन इज डेटा कम्युनिकेशन एक बोला उन्होंने और यहाँ पे कंपेरिजन ही मैंने किया है कोई चीज नुखाड़ के नहीं लगाएगी जैसे बहुत सिंपल सी बात करो आ, मैं अभी यहाँ पे समझाने के लिए सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं यहाँ पे आ, चलो शंकर आप अनम्यूट हो सकते हैं आपका रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड सही है साउंड शराबा तो नहीं है शंकर बेहरा आर देयर आप एक बार अनम्यूट हो जाइए सुधांशु अपनी माइक को जरूरत रखिया करिए ठीक है ओके तो एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप मान लीजिए आपके आपने एक नया लैपटॉप खरीदा सिंपल सी बात बोलता हूँ ठीक है और आपने जब लैपटॉप खरीद के ले आए और आपके रूममेट अभी हॉस्टल में रहते हैं या डायरेक्ट घर से अप डाउन करते हैं अनम्यूट रहिए हेलो जी हाँ तो नाम से रहिए बोलिए डायरेक्ट घर से जाते हैं आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है चलो कोई नहीं मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ सुनिए मान लीजिए कि लैपटॉप आपने खरीद के लिए आए और अपने मित्र को दिखा रहे अपने दोस्त को दिखा रहे हैं देखो आज हमने बहुत बढ़िया लैपटॉप खरीदा है करीब पचास हजार रुपए की कॉस्ट पड़ी है और इसके अंदर ये सारी फीचर हैं सारी चीजें बता रहे हैं बहुत अच्छी लैपटॉप है मार्केट में और आप अपने दोस्त से दिखा रहे थे आपके फ्रेंड टू तो फ्रेंड ही होता है वो बताया टीवी खोलो और टीवी पे हमारे मोदी साहब अपने तिर परिचित अंदाज में मित्रों ये जो सुधांशु जी ने लैपटॉप खरीदा है ना इनके कॉलेज के सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाएगा और जिन्होंने खरीदा है काजकल में उनको नहीं मिलेगा तो सुधांशु जी पहले तो ही बताओ कि आपके ऊपर बीतेगी क्या क्या फील करेंगे आप आप मेरे सवाल को समझे हेलो वाजी नहीं आ रही है। is, is... Hello, hello. हाँ बोलो हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए अच्छा चलो कोई बात नहीं मैं बोलता हूँ चलिए कोई बात नहीं देखिए ये सिंपल सी बात है हाँ आप म्यूट हो जाइए आप म्यूट हो जाइए आप मत बोलिए आपकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है कोई फायदा नहीं है अगर आप इस तरह का सिचुएशन आता है तो डेफिनेटली हम कुछ कर नहीं सकते ऐसा नहीं कि अगर कोई फ्री चीज मिलने लगी तो मैं अपने लैपटॉप को फेंक दूंगा तोड़ दूंगा ऐसा हो नहीं सकता मेरे लिए लैपटॉप की वही कीमत है जो हमने नया खरीदा था तो सेम चीज है हमारे पास में सेम चीज है हमारे पास में कि अगर बी का अरबों रुपए का लाइन जमीन में बिछा हुआ है इसका मतलब नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी आया और उखाड़ के पुराना फेंक दोगे रिलायंस ने खूब फोर टावर लगाया नो डाउट अब फाइव जी आया तो इसका मतलब नहीं कि फोर जी टावर उखाड़ के फेंकेगा वो सिर्फ अपग्रेड करेगा इसीलिए जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं बी एस एन एल के फोर जी लॉन्च क्योंकि तो बी एस एन एल फोर जी नहीं बाई डिफॉल्ट फाइव जी लॉन्च कर रहा है उन्हें पता है लेकिन वो पुरानी चीज़ों को उखाड़ के नहीं नहीं ला सकता तो उन्होंने परमिशन ले ली डाइडी फाइव जी लाने के लिए ठीक है तो ये चीज़ें जो आपका लैपटॉप है उसको आप चेंज नहीं तो उसी प्रकार जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है हमारा जो टेलीफोन की लाइन है उसको उखाड़ के फेंकना नहीं है उसको अपग्रेड करना है तो इसलिए जो टेलीफोन लाइन थी और जो नया लाइन है सिर्फ उसमें सेवाओं का डिफरेंस हुआ है मॉडिफिकेशन हुआ है वो खड़ा नहीं गया ठीक है तो पुरानी टेलीफोन लाइन में अगर हम बात करें तो केवल हम लोग एक दूसरे को बात करते थे फैक्स भेज देते थे एस एम बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा जुगाड़ किया तो फैक्स करा सकते थे आप लोग जानते होंगे फैक्स क्या सेवा क्या होती है एस भेज सकते थे एक पेजर सेवा भी होती थी बीच में बड़ा चला था पेजर सेवा एक दौर आया था जब एस का दौर था लेकिन हमारे पास व्हाट्सएप या इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं थी तो हम लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते थे पेजर सेवा के द्वारा पेजर सेवा होती है उसके द्वारा भेजते थे ठीक है वो भी काफी चला आपने इसके बाद आपका पुराना जो करंट नेटवर्क है पुराने नेटवर्क में होगा नए ने नेटवर्क में जो आज का नेटवर्क है जैसे हम लोग भी बात कर रहे हैं लाइन वही है लेकिन इस पे हम आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं मेरा पिक्चर भी देख रहे हैं मैं स्क्रीन पर जो दिखाना चाह रहा हूँ आप वो भी देख रहे हैं सारी चीजें देख रहे हैं ठीक है तो ये चीज़ें मल्टी मीडिया कम्युनिकेशन अगर हम कंपरिजन की बात करें तो दोनों चीजें बिल्कुल एक है पहले टेलीफोन लाइन थी अब हम उसे डेटा नेटवर्क कहते हैं पुरानी ही लाइन पे हम लोग एनआईबी वन कहते हैं लेकिन सन 2003 में हमारे में हमारे ने कहा कि आपको नई लाइनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी सिर्फ पुरानी लाइन के आप निर्भर नहीं रह सकते तो एक नई लाइन बिछाई गई जिसमें राउटर्स के प्रयोग किए गए उन्हें हमने बोला एन आई बी टू एन का मतलब होता है नेशनल आई का मतलब इंटरनेट बैकबोन नेशनल इंटरनेट बैकबोन अगर पुरानी लाइन पे इंटरनेट दिया तो एनआईबी वन था और नई लाइन बिछाई गई जिससे एन आई और आज की डेट में लगभग नाइन्टी इंटरनेट एन आई पे है एन आई की प्रक्रिया भी चल रही है पहले केवल टेलीफोन नंबर होते थे अब मशीनें आपस में बात करती हैं जब मशीनें आपस में बात करते उन्हें हैं बोलते हैं आईपी एड्रेस पहले केवल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे केवल आज के डेट में कंप्यूटर है स्मार्टफोन है टैबलेट है बहुत सारी नई चीज एक राउटर भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं ठीक है अभी लास्ट का जो पोर्शन है भी हम डिस्कस करेंगे टेलीफोन लाइन में कैसे डिस्कशन होते भी हम लोग करेंगे अभी जो नया नेटवर्क है जब सेम जी ने कहा तो उन्होंने तीन तरह के राउटर बिछवाए कोर राउटर सब राउटर एक है सिर्फ एफिशियंसी का फर्क है स्कूटर खरीदते हैं अस्सी सीसी का सौ सीसी का डेढ़ सौ सी का जो अस्सी सीसी का जो राउटर है स्कूटर है सौ सबका का पर्पज एक होता है लेकिन उसमें एफिसियंसी बढ़ जाती है उस हिसाब से हम लोग उसका यूज करते हैं ठीक है ना तो हमारे पास जो कोर राउटर है बारह हज़ार सीरीज का है ये हमने जब खरीदा था बी एस एन एल ने सबसे पहले लगाया और प्रोवाइडर थे जो राउटर कहाँ लगाए गए आपके स्क्रीन पे ये कोर राउटर है और बारह हजार का राउटर ये सॉरी बारह मतलब बारह थाउजेंड का सीरीज का है और इसकी कीमत थी एक की दो करोड़ रुपए और कहाँ लगाए गए आपके स्क्रीन पर दिस इज अ रियल नेटवर्क इस सेम पेट्रोलॉजी के दिशा निर्देशन में लगाए गए और आज भी पूरा काम कर रहा है आपका दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलोर और चेन्नई बाद में आ, 2014 में हमारे मोदी साहब ने एक जगह और लगवाया गुवाहाटी में ठीक है वो सारे चीजें हमने बाद में अपग्रेड करी ठीक है तो अभी जो मेन नेटवर्क है ये कोर नेटवर्क ये कभी भी किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया जाएगा भले पीपीपी मॉडल भले यूज कर लो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाय डिफॉल्ट इंडिया की जो मेन लाइन है जो नया नेटवर्क है पूरा का पूरा कोर नेटवर्क है जिसे हम लोग एम भी बोलते हैं ये बी का है और मेन लाइन है पीपीपी मॉडल के तहत कुछ प्राइवेट कंपनियों को परमिशन जरूर दी गई है बट खत्म नहीं किया दूसरा जो हमारे पास राउटर है प्रोवाइडर एज राउटर ठीक है ये इसको हम कई नाम से जानते हैं कुछ लोग कहते हैं पी राउटर कुछ लोग कहते हैं आईएसपी राउटर आईएसपी राउटर कौन होता है इंटरनेट देने वाला बी एस एन एल रिलायंस डाटा और भैया पर लाइसेंस लो जितना जगह लगाना लगाओ तो रिलायंस ने लाइसेंस लिया और खूब लगाया आपके कॉलेज में इंटरनेट दिया गया होगा सभी को फ्री वाईफाई भी दी गई होगी व्यवस्था की गई होगी तो कॉलेज के अंदर या किसी कैंपस के अंदर अगर इंटरनेट बांटना है तो फिर हम एक कस्टमर एज राउटर लगाते हैं ठीक है थीके? तो ये राउटर इस तरह से जोड़ा जाता है रिलायंस पहली कंपनी थी जिसको इस लाइन पर कम्युनिकेशन का परमिशन दिया गया उन्होंने क्या किया इस स्विच से टावर लगाए और 4G मोबाइल कनेक्ट कर दिए गए ठीक है तो इस वाले लाइन पे जो था नया वाला लाइन इस पे हमारा इंटरनेट फंस था पुराने वाली लाइन में क्या था टेलीफोन फंस था नया वाले लाइन पे इंटरनेट फंस था तो ये नया नेटवर्क है और आज के जमाने में इंटरनेट की बात करें तो सिंपली मेरा जो कंप्यूटर है और दूसरे साइड का कंप्यूटर है वो इसी लाइनों से होके गुजरता है नियर बाई स्विच में जुड़ेगा स्विच से मैं आपका राउटर से एक राउटर दूसरा राउटर तीसरा राउटर घूमते फिरते दूसरे साइड भी सेम रिटर्न बैक होना चाहिए आईएसपी और ये जुड़ेगा अगर आप मोबाइल से भी जुड़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आप मोबाइल से टावर में जा रहे हैं फिर लोकल स्विच में जा रहे हैं राउटर से घूमते फिरते आप दूसरे लोकेशन में उसी तरह से मूवमेंट करेंगे तो ये रियल नया नेटवर्क है जो नया नेटवर्क है बहुत ही ज़्यादा आसान है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पुराने वाले लाइन में चूँकि कॉपर वायर का ज़्यादा प्रयोग किया गया था इसलिए वहां पे लाइनें कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सब के सब आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर है ठीक है ना और सेंट्रलाइज तरीके से यूज हो रहे हैं तो दिस इज न्यू नेटवर्क नया कम्युनिकेशन नई व्यवस्था आज आपकी डेट में आपके मोबाइल फोन है मेरे पास मोबाइल फोन है तो अगर हम दोनों रहे हैं तो टावर पे टावर भी जुड़े और किससे जुड़ेगा लोकल स्विच और तो लोकल स्विच कस्टमर एज होगा कस्टमर एज जो भी आई ने जोड़ रखे होंगे बी एस उसके पास चले जाएंगे उसके बाद आप नेशनल लाइन पे आ जाएंगे और फिर हमारा कम्युनिकेशन होगा तो ये मैंने छोटा सा एक सेशन आज आपके लिए रखा था ट्रेडिशनल नेटवर्क कल हम लोग प्रैक्टिकल में हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में बात करना शुरू करेंगे क्योंकि तो इसके बिना हम कोई काम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे थ्योरी भले आपने कितना भी पढ़ा हो लेकिन मैं आपको टेलीफोन लाइन तीन सेशन में इसको कंप्लीट करूंगा मिनट में ताकि आपको याद भी रहे और वीडियो को आप देख कर दोबारा रिपीट कर पाए अभी आपके मन में कोई सवाल है कोई क्वेश्चन मार्क है तो आप पूछ सकते हैं आपके पीछे का आज पूरा नेटवर्क है वो पूरा का पूरा आपका राउटर बेस और स्विच बेस है ओके okay, फिर अगेन मिलते हैं कल थैंक यू पंद्रह बीस मिनट तो टाइम निकाल ही सकते हैं आप लोग थैंक यू